अगर आपका कोई भी सामान खोया गया है या चोरी हो गया है, जैसे कि गाड़ी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी डॉक्यूमेंट, या कोई पर्सन मिसिंग है, या आपके घर पर चोरी हो गई है, या आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट करनी है, तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन FIR फाइल कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन FIR करने के लिए सभी स्टेट्स में अलग अलग वेबसाइट है। आपको जस्ट एक ब्राउजर ओपन करना है और उसमें टाइप करना है ऑनलाइन FIR। इसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो सबसे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा आपके स्टेट की वेबसाइट का। जैसे कि यहाँ पर हमने डाला है दिल्ली, तो ये लिंक है दिल्ली स्टेट का। अगर आपको FIR फाइल करनी है यूपी में, तो आप लिखेंगे ऑनलाइन FIR यूपी और एंटर करेंगे, तो आपके सामने यूपी की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। अगर आपको FIR फाइल करनी है राजस्थान में, तो आप यहां पर लिखेंगे ऑनलाइन FIR राजस्थान, तो आपके सामने राजस्थान की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। तो आपको जस्ट लिखना है ऑनलाइन FIR और अपने स्टेट का नाम, एंटर करेंगे तो सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है तो आप अपने स्टेट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे कि हम दिल्ली स्टेट की वेबसाइट पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर व्हीकल चोरी हो गई है तो उसकी FIR कर सकते हैं। घर में या कहीं पर भी कोई चोरी हुई है तो उसकी FIR कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का इकोनॉमिक या साइबर ऑफेंस किया गया है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई पर्सन अगर मिसिंग है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी खोया गया है या पाया है तो उसकी भी यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। जो भी कंप्लेंट की है उसका स्टेटस भी यहीं से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी सामान खोया गया है, तो आप यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, लॉस्ट आर्टिकल और फाउंड आर्टिकल। अगर आपका सामान खोया गया है तो आप लॉस्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने कुछ पाया है तो आप फाउंड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम डालना है, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको जगह डाल देनी है कहाँ पर आपका सामान खोया गया है। यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है कब खोया गया है, और यहाँ पर आप अगर चाहें तो टाइम भी डाल सकते हैं कि किस टाइम खोया गया है। अब यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आपका क्या खोया गया है, जैसे कि आधार कार्ड, आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, वॉच, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मोबाइल, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपका जो सामान खोया गया है वो इसमें नहीं आता है, तो आप यहाँ अदर्स चूज करेंगे और यहाँ पर आप उस चीज का नाम डालेंगे जो खोई गई है। अब जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं कि मोबाइल खोया गया है, तो अगर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर पता है तो आप यहां पर डालेंगे। उसमें जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ था, अगर आपको वो पता है तो वो भी आप यहां पर डाल देंगे। कब खोया गया था, डेट आप यहां पर चूज कर लेंगे। यहां पर आप कंपनी चूज कर लेंगे, कौन से ब्रांड का आपका मोबाइल था, और यहां पर आप टाइप चूज कर लेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा सामान खोए गए हैं तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आपका लैपटॉप भी खोया गया है तो लैपटॉप यहां पर चूज करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर डाल करके ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जैसे कि आधार कार्ड खोया गया है तो आधार कार्ड यहां पर चूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ऐड कर देंगे। तो अपने सभी सामान को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं एक ही कंप्लेंट में। इसके बाद अगर आप कोई और डिटेल्स देना चाहते हैं पुलिस को, तो आप यहां एनी अदर डिटेल्स में भर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप ये कैप्चा फाइल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है टाइप कर देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और यहां पर आपको एक LR नंबर दे दिया जाएगा। इसको आप यहां से कॉपी करके सेव करके रख लीजिए, और अगर आप चाहें तो डाउनलोड LR फाइल पर क्लिक करके आप इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। ये है आपकी रिपोर्ट की PDF कॉपी, जिसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। ये तो बात हुई कि अगर आपका कोई सामान खोया गया है तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपके घर में चोरी हो गई है या आपकी व्हीकल चोरी हो गई है, तो उसके लिए आप थेफ्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टॉलन रिपोर्ट चूज करनी है। यहाँ पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आप डाल देंगे कोई भी एक यूजर नेम, नीचे यहाँ पर आपको डालनी होगी एक ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको डाल देना है एक मोबाइल नंबर। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आपको एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करके लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन पर क्लिक करना है। आपके पास एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, OTP यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप अपने पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर FIR पर क्लिक करना है।
आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, आपको नहीं पता किसने चुराई है, आपका जो सस्पेक्ट है वो आपका नौकर, आपका एम्प्लॉय या फिर जिसको आप जानते हैं वो है। इस चोरी के दौरान कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, तो अगर ये सारी बातें सही हैं तो आप यस करेंगे और अगर कोई सही नहीं है तो आप नो करेंगे। लेकिन अगर आप सस्पेक्ट को नहीं जानते तो आप नो करेंगे। इस चोरी के दौरान क्या कोई इंजर्ड हुआ है, हम नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आप डाल देंगे अपना नेम, यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, यहाँ से जेंडर चूज कर लेंगे, यहाँ पर कंट्री चूज कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चूज कर लेंगे इस कैलेंडर से, यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डालेंगे, एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, एक ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से चोरी हुई है वो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देंगे, कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है कि आपकी प्रॉपर्टी किस डेट से किस डेट के बीच में चोरी हुई है। यहाँ पर आप टाइमिंग डाल देंगे, किस टाइम से किस टाइम के बीच में आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इंसिडेंट देना होगा कि चोरी हुई है, सामान छीना गया है या फिर पॉकेट मारी गई है। चलिए हम थेफ्ट चूज कर लेते हैं कि चोरी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपको जगह चूज करनी होगी, ये आपके साथ कहाँ पर हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, पब्लिक प्लेस पर या कहीं और। यहाँ पर हम एनी अदर चूज कर लेंगे और यहाँ पर प्लेस का नाम डालेंगे जहाँ पर भी ये इंसिडेंट हुआ है। क्या आपने सस्पेक्ट को देखा है, अगर देखा है तो सीन, नहीं देखा तो नोट सीन। कितने सस्पेक्ट थे, यहाँ पर नंबर डाल देंगे। क्या आप सस्पेक्ट को पहचान सकते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। सस्पेक्ट ने कौन सी व्हीकल यूज की थी वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार या फिर आपको नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सस्पेक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी क्योंकि आपने चूज किया है कि आपने उसको देखा है, तो यहाँ पर चूज कर लेंगे वो मीडियम है, शॉर्ट है या फिर लंबा है। उसकी एज क्या रही होगी यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर एक से ज्यादा थे तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ और भी एड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी सामान आपका चोरी हुआ है उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। सबसे पहले आप चूज कर लेंगे यहाँ पर कि आपका क्या सामान चोरी हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। अगर एक से ज्यादा सामान चोरी हुआ है तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर और भी चूज करेंगे क्या चोरी हुआ है, जैसे कि हम मोबाइल डाल देते हैं, इसमें भी यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देंगे, उसका ईएमआई नंबर और साथ ही उसमें जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, कौन सा मॉडल था, क्या कलर था, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स डाल देनी है कि ये सारी घटना कैसे हुई है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप अदर डिटेल्स डाल दीजिए, जिसमें आप यहाँ पर अपने पासपोर्ट नंबर को डाल सकते हैं, कब इश्यू किया गया था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कहाँ पर इश्यू किया गया था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ चूज कर लेना है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। चलिए हम वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सस्पेक्ट की डिटेल्स डाल देनी है, जिसने भी ये चोरी की है, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो आप यहाँ पर डिटेल्स में टाइप कर दीजिए। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी पूरी एफआईआर आ जाएगी। ये एफआईआर सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर की जा रही है। आप एक बार यहाँ सभी डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अपनी कंसेंट दे दीजिए और कंफर्म कर दीजिए, आपकी एफआईआर यहाँ रजिस्टर हो जाएगी और साथ ही आपको एक एफआईआर नंबर भी दे दिया जाएगा और ये आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी कर दिया जाता है। यहाँ डाउनलोड एफआईआर पर क्लिक करके आप अपनी एफआईआर की एक कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी एफआईआर का स्टेटस चेक करने के लिए आप एफआईआर स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी सभी एफआईआर आ जाएंगी जो आपने की है, उस पर आप क्लिक करेंगे जिसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं। जैसे कि इस एफआईआर का स्टेटस अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग है, तो जो भी आपकी एफआईआर का स्टेटस होगा वो आप यहाँ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।